साथियों, अब हम चांकन किले तक पहुंच चुके हैं और अब ये किला भी हमारे अधिकार में है। शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की। स्वाधीनता के संग्राम की राजधानी बनाने के लिए अब हमें कोई ऐसा स्थान चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य हो। लेकिन राजे, राजधानी के लिए कोई स्थान सोचा है आपने? बाजी काका, सोचा ही नहीं, चुन भी लिया है। बहिर जी हमारे पास खुशखबरी लेकर आते ही हो। रफीक मियां। बोलो गुलफाम मियां। कल जो कनीज आई है उसे तुमने देखा? हे नहीं जैसी आंखें, कसम से तड़प के रह गए हम। गुलफाम मियां मुझे देख रही थी। अल्लाह कसम खाओ। कसम की खाओ, हर बात अल्लाह मत किया करो। शिवाजी राजे, मान गए आपके पारखी नजर को। हमारे लिए यह किला तो एक खंडहर था, लेकिन हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। स्वराज्य की लड़ाई का केंद्र बनाने के लिए क्या स्थान चुना है आपने? वाकई इससे सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती। केवल आप ही हैं जो दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर असंभव को संभव कर सकते हैं। आपने मोरमगढ़ किले में जाकर जो बातें मालूम की हैं, वो हमारे बहुत काम आएंगी। राजे, पूरे 12 मावल में हमने ऐसा किला नहीं देखा। गढ़ों का राजा, राजा का गढ़, यही मरुमगढ़ का वर्णन है। किले में अंदर पानी भी भरपूर मात्रा में है, दो तालाब है, अंदर जगह भी बहुत है। पर राजे, किला बहुत ऊंचाई पर है, किले पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। राजे बहिर जी, किला मरुमगढ़ दुर्गम है, अभेद है, मजबूत है। इसके चारों ओर घना जंगल है, नदियां और पहाड़ों के बीच बना ये मरुमगढ़ किला। बस स्वराज को ऐसे ही सुरक्षित किले की आवश्यकता है जिसकी ओर शत्रु आंख उठाकर देखने का साहस भी ना कर सके। साथियों, आज से मोरमगढ़ किला हमारा है
स्वराज की लड़ाई का केंद्र, स्वराज के संग्राम की रणनीति यही तय की जाएगी। यही होगा हमारे स्वराज की राजधानी। पाक तोड़नाई द्वारा दिए गए धन से हम किले की नींव मजबूत करवाएंगे और दीवारों को फिर से बनवाया जाएगा, ताकि दुश्मन इस किले की ओर आने का साहस भी नहीं कर पाए। स्वराज के प्रतीक इस किले का आज से नाम होगा राजगढ़। साहब, इस जर्जर मुरमदेवगढ़ किले पर राजधानी राजगढ़ बनेगी? हाँ, हमारे राजे कहते हैं कि ये दुर्गम किला हमारी स्वराज की लड़ाई का केंद्र बनेगा। यहीं से हमारे राजे स्वराज की स्थापना पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। फिर तो ये किला बहुत विशाल बनेगा ना? हाँ, बहुत विशाल। लाल महल से भी विशाल? लाल महल से अधिक विशाल। फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना ताई साहब? हम खूब खेलेंगे। देखना सोयरा, ये किला इतना बड़ा बनेगा कि आप खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते थक जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा किला बनने में तो बहुत दिन लग जाएंगे ना? दिन? सोयरा, वर्ष कहिए, वर्ष। वर्ष? क्या हुआ सोयरा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देखिएगा, ये वर्ष पलक झपकते से ही बीत जाएंगे। सोहरा, हम अभी आते हैं। छोटी रानी साहब, बड़ी रानी साहब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे देवा, सोरा अब सचमुच भुलक्कड़ हो गई है। ताई साहब आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप? अच्छा चलिए, हम आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी रानी साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं गोवा जी काका, ताई साहब ने बुलाया है। Thank you.
अच्छा तो आप राजे की पगड़ी में मोती जड़ रही है ताई साहब। और हम आपके लिए होलिका दहन के पूजा के फूल इकट्ठा कर करके थक गए, क्योंकि हम जानते हैं होलिका दहन के लिए आपसे ज्यादा सुंदर फूल भला कोई चुन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अलावा राजे की पगड़ी में कोई इस तरह मोती नहीं जड़ सकता। अरे हाँ ताई साहब, हमने होलिका दहन के लिए जो तैयारी की है आपने देखी? उसी को देखने के लिए तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे हम आपकी। तो फिर चलिए। अरे रुकिए तो सायरा, चलते हैं ना। नहीं अभी चलिए, चलिए ना। अरे सायरा चलिए ना। चलिए जल्दी चलिए। कैसी लगी हमारी तैयारियां? ताई साहब बताइए ना। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने माँ साहेब को दिखाया? देखा, हम फिर से भूल गए। हे देवा, क्या हो गया है हमें? चलिए माँ साहेब को लेकर आते हैं। मातोश्री, राजे ने शिरवल के नए अमीन सरदार सुजात खान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर शिवबा ने यह निर्णय लिया है तो हमें विश्वास है वो सुभान मंगल किले को सुजात खान से जीत कर ही रहे। परंतु मातोश्री। परंतु क्या मानको जी? मातोश्री, सुजात खान के पास 5,000 अनुभवी योद्धाओं की शक्तिशाली सेना है और हमारे पास हमारी सेना केवल 300। मातोश्री, मानकू जी की चिंता स्वाभाविक है। हमारी सैन्य शक्ति सुजात खान की सैन्य शक्ति से बहुत कम है। युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं हौसलों से जीते जाते हैं श्याम राजपन। चलिए मातोश्री, हम राजे की रण कौशलता और बुद्धिमता पे जरा भी संदेह नहीं कर रहे, और फिर उनके पास बाजी पासलकर, भीमिया जी, यशा जी, नूर खान, बाजी बांदर, जीवा और तानाजी जैसे मर मिटने वाले रणबांकुरे हैं। लेकिन मातोश्री, सुजात खान की 5,000 विशाल सेना के सामने टिकना, और फिर हमने सुना है कि सुजात खान बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है, वो अपने दुश्मन का सर हाथी के पैरों से कुचल देता है। सुजात खान को कुचलने का निर्णय लिया है तो अवश्य वो विजय की पताका लहराकर ही रहेंगे।
हमें अपने शिवबा पर पूरा विश्वास है। इच्छा है स्वराज, ये हमारा है अधिकार, धरती हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार। देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार, शत्रु के लहू की प्यासी वीर शिवाजी की तलवार। शपथ शंभु महादेव की, मातृभूमि पर मर मिटना, फौलादी अटल प्रतिज्ञा, दुश्मन के आगे क्या झुकना। शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी, दुश्मन भी है शीश झुका था, राम शिवाजी का जब आता, शिवाजी की ये गाथा, शिवाजी की ये गाथा, शिवाजी, वीर शिवाजी। ये हिंद में स्वराज हो, ये तो ईश्वर की इच्छा है। जगदम क्या दिख रहा है? राजे, हमें बेरहम सुजात खान हाथ में तलवार लिए अपने सिपाहियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और तानाजी आप क्या देख रहे हो? राजे, हमें जो दिख रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम वही देखेंगे जो आप हमें दिखाओगे। यही प्रश्न द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से किया था, तब अर्जुन ने कहा था हमें केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। मैं कुछ समझा नहीं रहा से। ये सर जी, हमें केवल और केवल शुजात खान दिखाई दे रहा है। शिवाजी, इस पूरे सूबे में आदिलशाही हुकूमत की फतेहयाबी का परचम लहराता रहता है। निर्मल के समान मंगल खेले पर शुजात खान खडंग का बजता है। और इस तरफ बुरी नीयत से बढ़ने वाले कदम काट कर फेंक दिए जाते हैं। मियां रहीम जैसे बुजदिल के फरार होने से तुम इस खुशफहमी में डूब गए हो कि शुजात खान से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। तो बढ़ आ गए, वक्त बढ़कर तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन है। तुम्हारा मंगल किला हमारी इज्जत है और आदिलशाही सल्तनत का गुरूर। शुजात खान, तेरा गुरूर हमारे राजे अपने पैरों के नीचे रौंदने आए हैं। और फिर शुजात खान, राजे तेरा नाक काटेंगे, फिर नट्टा शुजात खान कार और कामुक आदिल शाह के कदमों को चूमने के लिए
दरबार कैसे जाएगा? हैरत है कम नसीब। अरे शतुरमुर्ख भी शेर को देखकर अपना सर रेत में छुपा लेता है, और तू इतना छुप जा कहीं पर। मेरा हाथी तेरे सिर को कचल देने के लिए बेताब है। बेताब तो हमारे राजे हैं, तुझे मिट्टी में मिलाने के लिए सुजात खान। शिवाजी, इतने अरसे से हजार कोशिशों के बाद तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अब क्या कर लेगा? सुजात खान, अपने खुदा को याद कर ले, शायद तेरी मौत आसान हो जाए। ललकार हो। अब सब तैयार है? तैयार है। अब सबको क्या दिख रहा है? सुजात खान का सर। हर हर आप सब पांच की कतार में आ जाइए। नीचे क्या हो? नस्ते नाबूद कर दो इन जहन्नमी काफिरों को। ललकार हो।
भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की। देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी, दुश्मन भी है शिवाजी।